सोयामील का आयात फिर से बढ़ने की उम्मीद है। अब सोयामील आयात के लिए समय सीमा में राहत दे दी है। आयात के सौदे और बिल काटने की अवधि तो 31 अक्टूबर तक ही रखी गई है, लेकिन भारत के बंदरगाहों पर अब आयातित सोयामील की लैंडिंग 31 दिसंबर तक हो सकेगी। इस बीच दिल्ली के सूत्रों से खबर आ रही है कि खेरची में दाम काबू में नहीं आए तो सरकारी स्तर पर एक बार फिर आयात शुल्क में कटौती संभव है। सरकार के दबाव से वायदा में सोयाबीन और सोया तेल दोनों में गिरावट आ रही है। सोयाबीन वायदा में करीब 200 रुपए की गिरावट आई है, जबकि सोया तेल वायदा 10 रुपए घटा है। हालांकि सरसों के दाम अभी नीचे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार से उम्मीद की जा रही है कि सरसों तेल के आयात की अनुमति भी जारी कर दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।